तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आजकल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फातिमा ताहिर के बारे में। तो तुम सबको पता है कि अगर ये वाली वीडियो मेरी ट्रेंड पे नहीं गई या तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई, मैंने तो रोला डाल देना, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसको सुनने और देखने के बाद तुम लोग बौखला जाओगे और अजीब अजीब से तुम्हारे अंदर गर्मी दौड़ पड़ेगी जैसे कि जॉनी भैया के सीने में दौड़ पड़ती है, क्योंकि आज की वीडियो में बात ही कुछ ऐसी करने वाला हूँ। अब देखो मैं शुरुआत से शुरुआत करता हूँ और शुरुआत से शुरुआत पे ही खत्म कर देता। बात यूँ है कि फातिमा ताहिर एक होनहार चिकनी चमेली लड़की होने के साथ साथ एक खूबसूरत हसीना की नहीं है, मेरा मतलब खूबसूरत हसीना है जब भी तो उसकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और हर दो मिनट पे इतनी ज़्यादा सर्चिंग हो रही है कि फातिमा ताहिर फातिमा ताहिर। मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे लोगों ने तंग कर दिया कि भाई फातिमा ताहिर के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने कहा क्या वीडियो बनाऊँ मैं फातिमा ताहिर के ऊपर, फिर देखा तो एक रोला पाया हुआ था, तो मैंने सोचा अब असली में वीडियो बना ही डालते हैं फातिमा ताहिर के ऊपर। भाई देखो असली जो सीन है वो किसी को भी नहीं पता, सारे के सारे बच्चे होते हैं डाप रहे हैं यूट्यूब पे, मगर आपको मैं असली सीन ही बताने आया हूँ यहाँ पर। फातिमा ताहिर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा नहीं हुआ बल्कि जो भी हुआ सही हुआ। अब मैं शुरुआत करता हूँ इनके सबसे पहले टिकटॉक से, ज़रा इनके एक टिकटॉक देख लूँ ताकि आपको भी सुकून पहुँच जाए और मुझे। मुझे तो एक बात समझ भी नहीं आती कि इनके जैसे लोग के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कैसे होते हैं। अगर इसका चेहरा देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल है, मगर कोई बात नहीं ये लड़की है जब भी तो इतनी फेमस है। ऐसे ही लोग होते हैं, अगर इनके खानदान में किसी की शादी हो जाए तो खुद जाके बोलते हैं कंजरों और बगैर तो गुजरत है तो हमसे रब्ता कर ले। अब मैं तुम लोग को फातिमा ताहिर का रियल सीन बताता हूँ कि हुआ क्या है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा चौड़ा हो रहा हूँ। फातिमा ताहिर की मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसको मैंने शाया कर दिया तो मैं काफ़ी फेमस हो सकता हूँ। वो क्या है कि फातिमा ताहिर जब गरीब घर की लड़की थी, जब आई तो उन्होंने फेमस होने के लिए क्या करा कि वो फेमस होने के लिए उल्टे सीधे भी टिकटॉक बनाने लगी, मगर टिकटॉक बनाने के साथ साथ उनसे एक हो गई गलती। एक लड़का है जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो भी यूट्यूबर भी है, वो यूट्यूब पर आता भी है, मगर मेरे पास उसकी वीडियो है फातिमा ताहिर के साथ चुम्मी करते हुए, तो वाली वीडियो आप लोग सोच रहे हो कैसे मिली। मैं ये तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कैसे मिली, क्योंकि मेरे भी उल्टे सीधे काम सारे के सारे खुल जाएंगे। वो वीडियो मुझे जैसे ही मिली वो मेरी मर्जी, मगर वो वाली वीडियो अगर आप लोग को देखनी है और अगर आप लोग को इस बात पर झूठ लग रहा है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वाली वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ, मगर जब पोस्ट करूँगा जब मेरी इस वाली वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ होंगे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग उससे पहले मेरी वीडियो देख लो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लो। और इसका एक और हल भी है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, मुझे फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर बात है, मगर मुझसे ये मैसेज कर देना कि वीडियो सेंड करने में तुम लोग को फातिमा ताहिर की वीडियो सेंड कर दूंगा। मगर कुछ यहाँ पर बच्चों तो ऐसे बैठे हुए हैं जो कि मेरी ही लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि शमजे वाली वीडियो में लोगों ने मुझसे कहा कि शमजे की वीडियो सेंड करो। मैंने शमजे की वीडियो सेंड करी तो छोटे मोटे जितने भी यूट्यूबर थे सब ने शमजे के ऊपर वीडियो बना दी और उनके व्यूज मुझसे ज्यादा आ गए। अबे भाई मैं तो रुल गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ है, मैंने अपने शमजे की वीडियो नहीं डाली मगर इन बच्चों ने तो डाल दी। और अगर आप शमजे की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना हो तो देख लेना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।